नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी होम रेमेडी लेकर आए हैं जो कि आपके मसों के लिए बहुत ही कारगर होगी। कहने का अर्थ है कि आपके मसों पर ये बहुत अच्छे से काम करेगी उन्हें रिमूव करने के लिए। मसे कई जगह पे अलग अलग तरीके से हो जाते हैं, जैसे कि आपके ये गर्दन एरिया में ज्यादातर देखा जाता है या फिर गर्दन के बैक साइड में हो जाता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आंखों के पलकों के ऊपर भी छोटे छोटे ऐसे मस्सी जैसे कुछ हो जाते हैं जो कि देखने में बहुत ही खराब लगते हैं, आपकी सुंदरता को बिगाड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। वैसे तो इसमें कोई दर्द नहीं होता है, कोई इचिंग नहीं होती है, कोई इससे खास आपको प्रॉब्लम वैसे नहीं होती है, लेकिन जो है यदि हम खूबसूरती के दृष्टि से देखते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम देता है। कभी कभी अंडर आर्म्स में भी हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को, और ये मेल फीमेल और हमारे जो है बच्चों को भी होता है, यानी किसी भी एज ग्रुप में और किसी भी जो है जेंडर को हो जाता है। तो इसके लिए अगर आप डॉक्टर की सलाह लेते हैं तो वो इसकी सर्जरी करते हैं या फिर जो है इन्हें रिमूव करने के लिए अलग अलग तरीके की थेरेपी यूज करते हैं। लेकिन हम आपको एक बहुत अच्छा होम रेमेडी बताएंगे जिससे यदि आप इसे अपनाते हैं तो आपकी ये समस्या कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो हम आपको 2 से 3 तरीका बताएंगे जो कि आपको जो सूटेबल लगे आप उसे ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, और इसका आप लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको कोई सर्जरी, कोई पिन चुभाना या कुछ भी इस तरह की कोई आपको परेशानी नहीं होगी, और ये होम रेमेडी आपके घर पे ही मिल जाएगी। बहुत ज्यादा आपका पैसा भी नहीं खर्च होने वाला है, आपको घर से बाहर भी नहीं जाना है, आपके अपने किचन में ही ये सभी चीजें मौजूद होंगी। और आप इसे रेगुलर फॉलो करें क्योंकि देखिए ये सभी जितनी भी आयुर्वेदिक चीजें होती हैं इसे हमें कंटिन्यूअसली यानी कि पेशेंस रखते हुए इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तभी इसका रिजल्ट हमें मिलता है। तो चलिए हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी होम रेमेडी है जिसका इस्तेमाल करके हम इन मसों को, इन जो है तिल को गायब कर सकते हैं। तो मसों पे ये ज्यादा काम करती हैं क्योंकि मसे स्किन से उभरे हुए होते हैं और ये अलग अलग प्रकार से होते हैं। हम आपको पिक्चर में दिखा दे रहे हैं कि इनसे आपको कैसे, किस तरह के मसे हैं जिससे आपको निजात मिलेगी। दोस्तों, ये होम रेमेडी है, आपको सबसे पहले इसमें इस्तेमाल करना है रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाले मीठा सोडा। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ये मीठा सोडा जो हम लोग किचन में चने वगैरह बॉयल करते समय इसका यूज करते हैं। बहुत सारे लोग इसे सोडा कहते हैं या फिर मीठा सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा नहीं है, ये आप ध्यान रखें। जो हम लोग केक वगैरह बेक करने में यूज करते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना है, जो चने बॉयल करते समय आप डालते हैं वो सोडा है, मीठा सोडा के नाम से ये जाना जाता है। और बहुत ज्यादा महंगा नहीं मिलता है, 10 से 15 रुपए में आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, यदि मान लीजिए आपके किचन में नहीं है तो। 1 पिंच आपको मीठा सोडा लेना है और इसके साथ आपको क्या मिक्स करना है वो भी हम बताएंगे। इसके साथ दोस्तों आपको मिक्स करना है ये ऑयल, कैस्टर ऑयल जिसे अरंडी का तेल भी कहा जाता है। तो आप एक बोतल अपने घर में इसे जरूर रखा करें, ये अलग अलग तरीकों से इसे इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए ये ऑयल। आप चाहे इसे बालों में लगाएं या फिर स्किन पे जो है मसाज करते हैं अलग अलग चीजों को मिक्स करके, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप एक कैस्टर ऑयल आप ला के रख लें, किसी भी ब्रांड का हो, किसी भी कंपनी का हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैस्टर ऑयल होना चाहिए, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, ये मीठा सोडा लेना है और ये कैस्टर ऑयल लेना है, और 1-2 ड्रॉप, ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि ये जो पेस्ट होगा थोड़ा सा ठीक रहेगा तभी हमारे स्किन पर ये वर्क करेगा, ठीक है। तो ये दोनों आप मिला लें, तो यहाँ पे मैंने मिला के रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं छोटे से ये इसमें है ये, तो इस तरह से आप अच्छे से इसको मिला लें। और मिलाने के लिए आप एक टूथपिक का सहारा ले सकते हैं ये इस तरह से, और बहुत जरा सा है आप देख सकते हैं, और इसे आप मिला के रख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार यूज किया और ये वेस्ट हो जाएगा। आप मिला लें, दिन में 2 से 3 बारी आप यूज करें, हो सके तो रात में इसे यूज करेंगे तो अच्छे से ये आपकी स्किन पे अंदर जाके वर्क कर सकेगा, क्योंकि स्किन हमारी रात में जब हम रिलीव होते हैं सोते हैं
तो बहुत अच्छा काम करती है ये। कोई भी कॉस्मेटिक की चीजें अगर आप स्किन पर लगाते हैं तो अच्छे से उसका वर्क होता है। तो ये इस तरह से आप अपने इसमें ले लें, और जहां पे भी हो, अब हम आपको हाथों में ही करके दिखा देते हैं कि इस तरह से आपको यहाँ पे लगा लेना है, जैसे ये है, या फिर ऐसे यहाँ, या फिर आप गर्दन एरिया में जहां भी आपको है वहां पे आप लगा लें। ठीक है, आपको ना मसाज करना है ना कुछ भी नहीं, बस ये टूथपिक की हेल्प से लगा लें। और आंखों के ऊपर, जैसे बहुत सारे लोग डरते हैं कि हमारी आंखों में ना चला जाए, तो आप थोड़ा सा केयरफुली रखें। आप कॉटन वाला टेप भी ले सकते हैं और उस टेप के ऊपर इसे लगा के हल्का सा यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको फील होगा, लेकिन अच्छे से वो चिपक जाएगा और वर्क करेगा। और आप सो जाएं, सुबह उसे हटा के आप रिमूव कर दें, हटा दें। ये क्रिया आपको 1 हफ्ते करनी है, पर डे नाइट को आप करते हैं तो आपका इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। धीरे धीरे वो जो मस्से होते हैं वो सूखने लगते हैं, और धीरे धीरे वो आपकी स्किन में मर्ज हो जाते हैं, हटके निकल भी जाते हैं, कभी कभी दोनों भी होता है। तो इस तरह से आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाती है और आपके चेहरे की सुंदरता वापस आ जाती है। तो ये बहुत अच्छी होम रेमेडी है, इसे ट्राई करें दोस्तों। हमने अपनी फैमिली मेंबर पर इसे ट्राई किया है तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया है। लेकिन 15 डेज बाद इसका जो है रिजल्ट हमें मिला है। 1 हफ्ते के अंदर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो आपके मस्से होंगे वो बिल्कुल वीक होने लगेंगे, सूखने लगते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी ये रेमेडी वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये आप करके देखें। एक दूसरा रेमेडी है, वो भी अच्छे से काम करती है। वो क्या है कि आपको लेना है, दूसरी रेमेडी है, ये है प्याज, जो हम लोग रसोई में इस्तेमाल करते हैं। लाल वाली प्याज हो या फिर सफेद प्याज हो, कोई भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसे आप ये चाकू लीजिए, इससे आपको छील के कट कर लेना है और इसे कद्दूकस कर लेना है। ये जो कद्दूकस होता है, इससे आप कद्दूकस कर लेंगे तो इसका एक बहुत अच्छा पेस्ट, और यानी कि इसका हमें जूस चाहिए। ठीक है, आप जूस ले लें, और जूस के अंदर आप 1-2 ड्रॉप ले लें, यानी कि आप स्पून से अगर इसे माप करेंगे तो 1 स्पून आप ले लें, और उसके अंदर 1 पिंच आपको मिलाना है नमक। यहाँ पे मैंने नमक रखा हुआ है, ये है नमक, ये देख ले, इसके अंदर आपको मिलाना है नमक। अब ये जब प्याज का रस और नमक दोनों अच्छी तरीके से मिल जाएगा, तब आपको कॉटन बॉल की हेल्प से, ये जो हमारा कॉटन बॉल होता है, इसकी हेल्प से आपको ये इसमें डिप करना है, और जहां पे आपको मस्से हो वहां पे आपको इस तरह से लगा लेना है। एक्स्ट्रा एरिया में भी लग जाएगा तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जितनी भी आयुर्वेदिक चीजें होती हैं, अलग भी लग जाता है तो उसकी से कोई प्रॉब्लम आपके स्किन पर नहीं आने वाली है। तो इस तरह से प्याज और नमक के रस का भी इस्तेमाल करके आप अपने मस्से से छुटकारा पा सकते हैं, धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलता है। तो ये दूसरी होम रेमेडी है, आप इसे ट्राई करें और इसका रिजल्ट देखें। अब हम आपको एक बहुत अच्छी घरेलू रेमेडी बताते हैं इन्हीं मसों के लिए। आपको लेना है दोस्तों चूना, जो मार्केट में चूना मिलता है पान की दुकान पे, आपके घर के आसपास में कोई भी पान की दुकान हो तो आप वहां से चूना ले लें। अभी मेरे पास नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती, पिक्चर में आपको लगा देती हूँ। खाने वाला लिक्विड चूना होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए, लिक्विड चूना आप ले लें। पान की दुकान पे बहुत अच्छे से आपको 5 रुपए में मिल जाएगा एक पाउच, और उसे आप ले आए, उतना आपको यूज नहीं होना है, लेकिन आपको लेना तो पूरा पाउच ही होगा, आप ले लें। और उसके अंदर मिलाना है अदरक का रस, जो अदरक हम लोग रसोई में चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अदरक का रस लेना है। और जैसे मान लीजिए आप जो है एक मटर के दाने के बराबर चूना लेते हैं, तो उसमें आपको 1/2 टीस्पून अदरक का रस लेना है और अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसी टूथपिक वगैरह से, या फिर जो ईयरबड कान साफ करने वाला है, इससे आपको उस मस्से पर आपको लगाना है। थोड़ा सा ध्यान से लगाएंगे, हल्का सा आपको जलन महसूस हो सकती है, अलग अलग टाइप की स्किन पे अलग अलग रिएक्ट करता है। तो ये चूना और अदरक के रस को मिक्स करके उस पे आप लगाते हैं तो वो धीरे धीरे वहां से जो मस्सा होगा जड़ से वो रिमूव होने लगता है। ये सूखता नहीं है, ये रिमूव हो जाता है। तो यदि थोड़ा सा बड़ा मस्सा है तो आप ये रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा आपको कोई दर्द वर्द नहीं होगा।
आप इसे करें और इससे आपको बहुत जल्दी मसों से निजात मिलती है। तो ये तीन होम रेमेडी मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताई है, तो आपको जो सही लगता है आप उसे ट्राई करें, लेकिन जो भी होम रेमेडी आप शुरू करेंगे उसे लगातार 15 दिनों तक आप करें तो इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन ये जो चूने और अदरक के रस वाली रेमेडी है इसे आप एक बार, मतलब यानी कि आप 3 दिन में एक बार करिएगा, पर डे आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक प्रकार से कास्टिक मिला होता है और जो आपकी स्किन को थोड़ा सा हार्म पहुंचा सकता है, तो आप केयरफुली करिएगा। वैसे ये चूना आप मुंह में खाते हैं तो आप जब अपने अंदर पेट के अंदर ले जाते हैं तो आपकी स्किन पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो बस इस तरह से आप अपने मसों से बहुत अच्छे से निजात पा सकते हैं और आपकी स्किन पहले के जैसी सुंदर हो जाएगी और आपकी स्किन में 4 चांद लग जाएंगे। तो आप ये ट्राई करें और इसका रिजल्ट हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।